हाय, मैं हूँ प्रशांत। आज मैं आप लोगों को एमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इस ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है ना, आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक लाइव इंसिडेंट हुआ है और वो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया और आपके साथ अब शेयर करूँगा तो आपको भी पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। और ये सब चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं, लोग कॉल लेके चले जाते हैं लेकिन उनको वो प्रॉफिट बुकिंग समझ में आता नहीं कि कहाँ पे कैसे करे, ये नॉलेज बताया ही नहीं गया है। आपको दिखेगा गैप अप हुआ लेकिन अरे बुक तो किया नहीं आपने, जस्ट एकदम गौर से ध्यान से इस वीडियो को देखो और आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंस है इस एमओ ऑर्डर का। ध्यान से देखो, ये है फ्राइडे का मार्केट, ये है थर्सडे का मार्केट बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मान लो यहाँ के जो प्लेयर्स है इन्होंने कि 90% लोग बीटीएसटी लेके चले जाते हैं कि कोई कॉल लेके जाता है, कोई पुट लेके जाता है। किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, किसी को लगता है डाउन ओपन होगा। तो किसी का एनालिसिस परफेक्ट भी होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब देखो आप, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गया बरोबर। यहाँ पे मान लो आपने कॉल बाई किया, क्या है रेट, ये 44,200। मान लो आपने 44,200 का सी या 44,300 का सी बाई करके चले गए, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपको देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, 200 पॉइंट ऊपर, 44,200 और ओपन 44,400। यहाँ पे देखिए 44,400 पे मार्केट ओपन हुआ, मतलब 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। अब चलो देखते हैं कॉल, ये है 44,200 का सीई, करंट एक्सपायरी। ये देखो ये फ्राइडे का मार्केट, ये थर्सडे का मार्केट। आपने मान लो यहाँ पे बीटीएसटी ले लिया, क्या प्राइस है, 315। हम लोग एक एवरेज पकड़ के 315 पे आपने ये इस कैंडल पे या कहीं पे भी कॉल बाई करके चले गए। मार्केट ओपन हुआ कितने पे, 360, हाई गया 375, क्लोजिंग देखो आप उसका 328। आपने कहाँ पे बाई किया, 315। अब ध्यान से देखो 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है ये जो कैंडल है ना। अब इसको 1 मिनट में देखते हैं हम लोग, ये जैसे ही ओपन होते हैं वैसे ही मार्केट नीचे गिर जाता है। देखो आप यहाँ पे ओपन हुआ, फट से नीचे आ गया। कहाँ पे नीचे आया, 330। आपने बाई किया क्या, क्या कहाँ पे किया था, 315 अप्रोक्सीमेटली हम लोग पकड़ते हैं। तो एम ऑर्डर जिसने डाला होगा वो यहाँ पे उसने उसका प्रॉफिट बुक हो चुका होगा हाई लेवल पे। हाई लेवल पे 315 उसने मान लो 350 पे डाला होगा, 360 पे डाला होगा, 370 पे डाला होगा सेल ऑर्डर बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर। वो तो एग्जीक्यूट हो गया, उसका प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन जो बाद में आराम से मार्केट ओपन होता है ना और जो बाद में स्क्वेयर ऑफ करते, उनको तो पता ही नहीं चला होगा ये क्या हो गया। मार्केट ओपन झट से नीचे आ गया। अब देखो एक ये 1 मिनट का कैंडल, वो वेट किया होगा दूसरे या तीसरे मिनट में, देखो कॉस्टिंग पे आ गया 44,300 का सी। अब ये देखो 5 मिनट का कैंडल, ये देखो थर्सडे को कहाँ पे मान लो आपने 260 पे, 265 पे बाई किया या इस रेंज में, ठीक है। अब देखो मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, 290, आई गया 350। ये बहुत फास्ट है, आपको दिख रहा है लेकिन ये कैंडल का स्पाइक देखो, ये कब गया होगा, कब नीचे आ गया हो पता नहीं, पता भी नहीं चला होगा। तो जैसे ही नीचे आ गया तो देखो क्लोजिंग कहाँ पे होगी, 270। आपने बाई किया 260, 200 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों, आपने एमओ ऑर्डर डाला ही नहीं, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर डाला ही नहीं। अब जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाई किया होगा वो तो हैरान हो चुका होगा, ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये जहाँ था वहीं पे। और आपको ये सब चीजें बहुत लाइटली लगता है कि देखो अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट में ये स्पाइक देखो, ये जो स्पाइक आती है ना ये बहुत फास्ट आती है, कब ऊपर जाके नीचे आ गया और पता भी नहीं चला होगा। यहाँ पे बाई किया है 260 पे और यहाँ पे क्या 280, कुछ नहीं मिला उसको, कितना मिलना चाहिए था आपके हिसाब से। अब यहाँ पे देखो
₹15 का हमारा प्लॉट है, प्लॉट साइज ठीक है, 260 पे लिया, कहाँ तक गया, 84 पॉइंट्स ऊपर। मान लो अपने 260 पे किसी ने बाई किया, 350 तक चले गया, यहाँ पे किसी ने ऑर्डर डाला होगा, मान लो 320, 330, 340, 300, कुछ भी, कुछ तो बुक होता प्रॉफिट, कुछ तो बुक होता। लेकिन क्या एम ऑर्डर पता ही नहीं है किसको, तो क्या वो प्लेस करेंगे, और आखिर में जहाँ था वहीं पे आ गए। ये ले लो बैंक निफ्टी, देखो जैसे ऊपर हुआ ऐसे ही गिर गया, कॉल की प्राइस भी ओपन होते ही गिर गई। इसके लिए जिन्होंने लिया था वो जो स्मार्ट प्लेयर्स होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक हो चुका होगा, और जो सिर्फ लेके बैठे होंगे ना, तो ये देखो उनका हाल वही पे हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो, ₹15 लॉट है, मतलब क्या हो गया, ₹10 हमें मिलता है, अगर 260 से 270 जाता है तो सिर्फ ₹150 पर लॉट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब अगर ये कितना ऊपर गया है, 350, तो 350 ऊपर गया है मतलब 90 पॉइंट्स। अब 90 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद कितना प्रॉफिट होना चाहिए मुझे, अगर मैंने 10 लॉट लिए कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करो, 9,000, 10,000, 12,000, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला होगा तो 15,000, कितने 100 पॉइंट्स अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे साफ साफ 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर मुझे मैंने 10 लॉट बाई किए, बरोबर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपको प्रॉफिट बुक नहीं किया और आप वही के कॉस्ट पे आ गए। कितना बुरा लगता है कि जब अगर मैं 10 लॉट बाई करके जाऊँ, 15,000 मेरा प्रॉफिट बनना था, मेरा सब एनालिसिस परफेक्ट था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाई। सोचो क्या उस वक्त सिचुएशन होगी आपकी। इसके लिए एम ऑर्डर स्मार्ट तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। ये लाइव इंसिडेंट हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार होता है लोगों के साथ में, उनको पता नहीं चलता क्या हुआ और आखिर में उनको कॉस्ट क्या। फिर जैसे ये कैंडल देखो यहाँ पे आई गई, जिन्होंने होल्ड भी किया होगा वो डर गया होगा इस कैंडल पे, क्योंकि तो प्रॉफिट से लॉस दिखेगा, वो स्क्वेयर ऑफ करेगा, बाद में पता चला ये वापिस ऊपर गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। लोग यहाँ यही पे डिसीजन ले चुके होंगे कि अब मुझे स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। सोचो 10, मैं का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने सिर्फ 10 लॉट बाई किए, 100 पॉइंट्स मार्केट ऑप्शन ऊपर ओपन हुआ, आपने एमओ ऑर्डर नहीं डाला और कॉस्ट पे आ गए, आपके 15,000 आपके होने चाहिए वो धुल गए, मार्केट ने फिर से ले लिया, वो सिर्फ आपको दिखा एक इल्यूजन, सामने दिखा और झट से पलक झपकती चले गया। इसलिए बहुत स्मार्टली वर्क करो, एम ऑर्डर को बहुत, मतलब बोलते हैं ना टॉप पे लेना है। अगर मैं आज कोई भी बाय ऑर्डर मान लो करता हूँ, आज मार्केट ओपन है, मैंने कुछ कॉल बाई किए या कुछ पुट बाई किए, कुछ भी बाई किया, और मुझे मान लो मंडे को बेचना है, तो मैं आज भी ऑर्डर डाल सकता हूँ ना यार। तो आज ऑर्डर डाला है तो मार्केट ओपन होगा, कितना भी मान लो, ये जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, 260 पे मैंने मारा, 300 का डालो, 310 पे कुछ डालो, 320 पे कुछ डालो, 315 पे डालो, जो भी है प्रॉफिट तो होगा, कुछ तो होगा, ये ऐसा पूरा जाएगा तो नहीं, ये कमी भी हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। अब उसके एक दिन पहले चलो ये गैप अप हो गया, लेकिन मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो गया, हो गया 5 मिनट की, ये देखो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे ऊपर चले गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आपका सब कुछ सही होने के बाद भी आपको आपके कॉस्ट पे स्क्वेयर ऑफ करना पड़ रहा है। इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि जो चीजें गूगल पे पड़ी हुई है ना उसको छोड़ दो, जो चीजें कोई बताता नहीं है ये सब चीजें आपके मतलब प्रोसेस में होनी ही चाहिए, प्रोसेस में होनी चाहिए, ये रोज होना चाहिए,
मैंने अगर लिया, मैंने ऑर्डर डालूंगा, चाहे प्रॉफिट कम हो, लालच छोड़ दो कि मेरा कॉल अगर 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया तो अरे हो गया तो ठीक है ना, बाकी के तो लॉट्स बुक हो जाएगी, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट बुक होगा। अगर आपने 10 लॉट बाई किए, एक एग्जांपल लेता हूँ, तो 6-7 का ऑर्डर आपने यहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट बुक हुआ, और मान लो यहाँ से ऊपर गया तो बाकी के लॉट्स आपको प्रॉफिट देगी, और गिर भी गया तो आपका प्रॉफिट भी लॉक होता है और आपको थोड़ा भी मतलब रिग्रेट फील नहीं होगा कि चलो यार बच गया मैं, मेरे कुछ तो लॉट्स प्रॉफिट बुक हो गए, और बाकी के अगर 3 यहीं पे कॉस्ट पे भी निकालोगे तो आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं। लेकिन ये जो पैनिक हुआ ना, आप ये आप सहन नहीं कर पाओगे, और इसका जो रिवेंज होता है ना, वो नेक्स्ट ट्रेड्स में आप लेते जाते हो। मान लो फिर से यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, ये कैंडल देख के डर गया होगा, मतलब वापिस गया, वापिस ऊपर, वापिस बाई किया होगा, वापिस प्रीमियम नीचे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में किसी ने यहाँ पे पुट ले लिया होगा, फिर ऊपर गया, तो समझ रहे हो कि नहीं होना चाहिए। बहुत स्मार्ट वर्क करो, एमओ ऑर्डर आपको प्लेस करना ही है। अगर आपने कॉल बाई किया है, कुछ भी बाई, स्टॉक बाई किया है, कुछ भी ऑर्डर डाल के छोड़ दो, ऑर्डर डाल के छोड़ दो, ठीक है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। कुछ एल्गो सिस्टम जो लोग बोलते हैं ना, एल्गोज की जरूरत है, कुछ एल्गोज की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सिस्टम है, पावर है, तो वो सिस्टम में डाल के रख दो और आराम से बैठ जाओ, एकदम स्मार्ट वर्क करो। गधे की तरह काम करके मतलब नहीं है, रिटेलर वही करते हैं और वही फंस जाते हैं। अब किसी ने गैप अप देख के कॉल भी बाई किया होगा, सोचो क्या हो चुका, जैसे ही बाई किया होगा वैसे ही खत्म, ऐसा होता है, ठीक है, इस बात पे ध्यान दो। थैंक यू।